जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। मैं नरेंद्र वर्मा सर आज आपके लिए एक नया मध्य प्रदेश जीके का नया पाठ लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो बहुत बहुत आईएमपी टॉपिक है। ऐसा कोई सा पेपर नहीं है, एमपी पीएससी हो, दरोगा हो, पटवारी हो, हर पेपर में इस टॉपिक पे से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि ये मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान का सभी को पता है कि अपने पूरे भारत में एमपी का राष्ट्रीय उद्यान में पहला स्थान है। क्योंकि आज अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान, जो उसमें अपने एमपी का पूरे भारत में स्थान कितना है, 12 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं और अपने एमपी का जो स्थान है वो है आपका पहला। तो मैं चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एक से दो बार देखें। आज मैं आप लोगों को इतनी धांसू ट्रिक दे रहा हूँ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की कि इस टॉपिक को अगर आपने एक बार देखा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। और जिन विद्यार्थियों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जो मैंने आपके डाले हैं 8-9 वीडियो मैंने आप लोगों को डाल दिए हैं, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कंप्लीट करवा दिया है और मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन आयोग कंप्लीट करवा दिया है, और ये अगला टॉपिक है आज आपका मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, फुल डिटेल में मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया है, तो एक बार आप पीछे जाके मेरे पूरे वीडियो को देख लीजिए। आज का जो टॉपिक रहेगा ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, सभी विद्यार्थी इसको एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आज अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कि भारत के अंतर्गत टोटल 112 राष्ट्रीय उद्यान है। 112 राष्ट्रीय उद्यान में अपने मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। 12 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग पेपर में चीख मार दोगे, इसलिए सबसे पहले तो अपन 12 राष्ट्रीय उद्यान को अपन याद करेंगे। एक छोटी सी कोडिंग दे रहा हूँ, सभी बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा कोडिंग को। मध्य प्रदेश में टोटल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो राष्ट्रीय उद्यान है टोटल 12। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 12। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 12 राष्ट्रीय उद्यान है और इन्हीं 12 राष्ट्रीय उद्यानों में अगर अपन देखें तो आपके 7 टाइगर प्रोजेक्ट भी है। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जो जीव जंतु वनस्पति वृक्ष जो भी लुप्त हो चुके हैं उनको इसके अंतर्गत संरक्षित किया जाता है, ये कहलाते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। इसके बारे में आपको फुल डिटेल बाद में दूंगा, पहले आज अपन देख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। एमपी के 12 राष्ट्रीय उद्यान को जिले सहित अपन याद कर लेंगे। ध्यान देना सभी, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, प्रत्येक पेपर में आएगा, कोई सा भी आप एमपी का पेपर दो आपको ये क्वेश्चन बनेगा। कोडिंग है मेरी, बहुत प्यारी कोडिंग है, संजीव कु मालवी भाषा में बनी हुई कोडिंग है, एक भी शब्द साइलेंट नहीं है, एक बार देखोगे याद हो जाएगा। संजीव कु बाप कापे समाऊ डा। डा हमारे यहाँ का मालवी शब्द है, सभी छोटा हो बड़ा हो हर किसी को डा बोल देते, तो अपन डा से पकड़ेंगे डा। बाप तो आपको पता है, बहुत सारे लोग बाप बोल देते हैं। संजीव कु बाप कापे समाऊ डा। तुम्हारी कसम एक भी शब्द साइलेंट नहीं है, एक बार बोलोगे प्रत्येक शब्द से आपका मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान निकलेगा। कोडिंग क्या है, संजीव कु बाप कापे समाऊ डा। कितने राष्ट्रीय उद्यान आ गए इसमें, 12। 12 राष्ट्रीय उद्यान को मैं एक सांस में बोल रहा हूँ, संजीव कु बाप कापे समाऊ डा। अगर किसी को दम की बीमारी है तो 2 सांस ले लेना, बोलने मत मर जाना, है ना। देखिए, संजीव कु बाप कापे समाऊ डा, एक सांस में आप 12 राष्ट्रीय उद्यान अगर मैं आपको नोट डाल के लिख दूंगा ना तो आपको याद नहीं होगा। जैसे ये 12 राष्ट्रीय उद्यान है, आप कितने रखो आपको याद नहीं होगा इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन आप लोगों ने अगर ये कोडिंग याद कर ली ना तो आप एक बार में 12 राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हो, संजीव कु बाप कापे समाऊ डा, एक नंबर पक्का है आज आप ये वीडियो देखते हो तो। देखिए काउंट कर लेते हैं अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कहा था एक भी शब्द साइलेंट नहीं, प्रत्येक शब्द से आपका राष्ट्रीय उद्यान निकलेगा। संजीव कु बाप कापे समाऊा, मालवी भाषा में बनी हुई कोडिंग है, आपको सबको याद ही हो चुका होगा, 3-4 बार तो मैंने ही बोल दिया, संजीव कु बाप कापे समाऊ डा। मेरे साथ ही आप लोग इसको बोल के याद करना, याद हो जाएगी आप लोग को, संजीव कु बाप कापे समाऊ डा। सात से आएगा आपका संजय, सात से क्या आएगा आपका संजय, राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है आपका संजय, सात से संजय, सात से सीधी, संजय कहां पर है सीधी, अपन ट्रिक भी लगा देंगे आपको आसानी हो जाएगी। संजय नाम का लड़का अपनी पत्नी के मारे कैसा देखता है, सीधे देखता है, तो संजय कैसा देखता है सीधी, तो सासे संजय सासे सीधी, संजय अपनी पत्नी के मारे कैसा देखता है सीधे देखता है, तो सासे संजय सासे सीधी, हमारा
जो कैमरामैन है उसका नाम भी संजय ही है ना। देखिए संजय कैसा देखता है अपनी पत्नी के हमारे, सीधा देखता है, तो संजय क्या हो जाएगा आपका, सीधी। एक दूसरा आएगा जीवाश्म, दूसरा क्या बनेगा आपका, जीवाश्म। जीवाश्म को ही बोलते हैं फासिल। जीवाश्म का एक और नाम क्या है, फासिल। भारत में टोटल चार फासिल है, उनमें से एक फासिल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ये हो जीवाश्म। जीवाश्म, जीवाश्म को क्या बोलते हैं अपन, फासिल बोलते हैं। ये कहाँ पड़ेगा आपका, डिंडोरी पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आपका, डिंडोरी। याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्या है सबसे छोटा, खासियत है इसकी, सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान, सबसे छोटा। अगर अपन देखें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान है कौन सा है आपका, जीवाश्म है। देखो शासक क्या होगा, संजय। संजय कैसा देखता है, सीधे देखता है। जीवाश्म कहाँ पड़ेगा आपका, डिंडोरी। डिंडोरी की खासियत क्या है, सबसे छोटा। मैं इसमें वीडियो रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको देखना है, अब आपको सिर्फ मेरा वीडियो देखना है, जीएस की टेंशन ना ले आप लोग, मैं आपको याद करवा दूंगा। संजय कैसा देखता है, सीधे देखता है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। जीवाश्म, जीवाश्म क्या है, एक तो सबसे छोटा, कितना छोटा है तो अपन इसको 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला है, 0.27, ये आ गया आपका वर्ग किलोमीटर में फैला है। याद रखना अपन इसमें टिक लगा रहे हैं, सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो लगाना जीवाश्म। जीवाश्म का एक और नाम क्या है, फासिल है। और ये कहाँ पड़ेगा, डिंडोरी, सबसे छोटा। मैंने आपको बताया है कि अपन इसको ट्रिक से पढ़ेंगे, आपको रटने नहीं देंगे। जीवाश्म, आपको पता है कि लड़कियां छोटी छोटी बात, छोटी छोटी से छोटा, छोटी छोटी बात में क्या पीट देती है, डिंडोरी पीट देती है। छोटी छोटी बात में क्या पीट देती है, डिंडोरी। तो आपको याद हो जाएगा कि जीवाश्म कहाँ पर है, डिंडोरी। छोटी छोटी बात में क्या पीट देती है, डिंडोरी पीट देती है। तो साथ से क्या आएगा, संजय। जी से क्या आएगा, जीवाश्म। जीवाश्म का पड़ेगा आपका, डिंडोरी पड़ेगा। डिंडोरी कितना वर्ग किलोमीटर में, 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहां से आएगा वन विहार, सभी विद्यार्थी को पता है कि सीहोर के पास ही भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, और वहां पर ही आपको मिलेगा वन विहार, वन विहार, वन विहार। याद रखना वन विहार मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है जहां पर बारकोट लगाया गया है। ये सर्प के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, सर्प के लिए। तो वन विहार कहाँ पड़ेगा आपका, भोपाल पड़ेगा। क्वेश्चन आता है इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सर्प पाया जाता है। किसमें क्या पाया जाएगा, सारे चित्र द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो अपना मेन उद्देश्य है कि डायरेक्ट जो छोटे मोटे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो ये तो है 12। आजकल ये पेपर में नहीं आते, कहां पर पड़ेगा और इनकी खासियत क्या है, सारी अपन डिटेल में। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत 33 अभयारण्य भी है। तीन आपको ये दे देंगे और एक अभयारण्य दे देगा, उसमें छाटना रहेगा। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग चीख मार दोगे। देखो सासे क्या आएगा आपका, संजय। संजय कहाँ पड़ेगा, सीधी। जीवाश्म कहाँ पड़ेगा, डिंडोरी। वन विहार कहाँ पड़ेगा आपका, भोपाल पड़ेगा। अगला आएगा कूनू, भैया बहुत 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 ज्यादा आईएमपी है, इसको 7 बार आईएमपी करना, ये मैंने कर दिया। कूनू की बड़ी खासियत है, अभी सभी को पता है आप लोग को कि नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के दिन 17 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश के अंतर्गत चीता को लाया गया था, और जो चीता लाए गए थे नामीबिया से लाए गए थे, और उनको कहाँ पर रखा गया था, तो कूनू में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था उनको, कूनू में। कूनू कहाँ पड़ेगा, श्योपुर पड़ेगा। कूनू कहाँ पड़ेगा, श्योपुर। मध्य प्रदेश में जो चीता लाया गया था वो किस राष्ट्र उद्यान में रखा गया था, कूनू में। सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जो चीता लाया गया था, आपको मैं दिखा देता हूँ, आज मध्य प्रदेश का चीता स्टेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आप देखिए यहाँ पर, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, सभी जानते हैं इनको। और ये जो चीता लाए गए हैं, ये टोटल मंगाए थे 8। कितने मंगाए थे, 8। और ये कहाँ पर रखे गए, कूनू में। कहाँ रखे गए, कूनू में। कूनू कहाँ पड़ेगा आपका, श्योपुर में पड़ेगा। तो ये आप लोग याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अब मध्य प्रदेश के नहीं, आप कोई सा भी पेपर दोगे उसके लिए भी आईएमपी हो चुका है। देखिए यहाँ पर अपने क्या देखा था, संजीव कु बाप कापे समाऊ, संजीव कु बाप कापे समाऊ डास। सासे क्या आएगा, संजय। संजय कहाँ पड़ेगा, सीधी पड़ेगा। जीवाश्म कहाँ पड़ेगा, ढिंडोरी पड़ेगा। खासियत क्या है, सबसे छोटा है। कितना छोटा है, 0.27 वर्ग किलोमीटर। वन विहार कहाँ पड़ेगा, भोपाल पड़ेगा। किस लिए फेमस है, सर्प के फेमस है ना, वहां पर एक बारकोड लगाया, आप बारकोड खोलोगे तो सर्पों की पूरी डाटा वहां पर निकल जाएगी। अगला आएगा कूनू, कूनू कहाँ पड़ेगा, श्योपुर। खासियत किसके लिए, चीता के लिए है ना। कब रखा था, तो 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर इसको लगाया गया था। अगला आएगा आपका पांचवे पर, संजीव कंप्लीट हो गया, संजय जीवाश्म वन विहार, संजय जीवाश्म वन विहार। उसे क्या आएगा, कूनो आएगा। ये जो बाप है ना, बाप, बाप से क्या आएगा, बासा आएगा, बांधवगढ़। बासे क्या आएगा आपका, बांधवगढ़। बासे क्या आएगा आपका, बांधवगढ़। याद रखना आप लोग, बांधवगढ़ पड़ेगा
आपका देखा जाए तो इसके खुद आईएमपी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 32 पहाड़ियों से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 32। ध्यान देना आप लोग, आपको वैसे याद करवा दूंगा इसको। बांधवगढ़ कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 32 पहाड़ियों से घिरा है। 32 में से अगर आप ये दो हटा दोगे तो ये बन जाएगा उमरिया। क्या बन गया आपका? उमरिया। एक क्वेश्चन भी याद हो गया, बांधवगढ़ कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 32 पहाड़ियों से घिरा है। 32 में से अपन ने दो हटा दिया, तीन किस्म हो गए आपका उमरिया में, तो बांधवगढ़ कहाँ पड़ेगा आपका? उमरिया में पड़ेगा। याद रखना बांधवगढ़ में प्रत्येक 8 किलोमीटर पे एक बाघ पाया जाता है, एक शेर पाया जाता है। जो सर्वाधिक घनत्व में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं तो आपको क्या लगाना है? बांधवगढ़ में लगाना है। बांधवगढ़ कहाँ पड़ेगा आपका? उमरिया। खासियत क्या है? कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से। सा से संजय, संजय कहाँ है आपका? सीधी। जीवाश्म, जीवाश्म कहाँ है? डिंडोरी। वन विहार कहाँ पड़ेगा? भोपाल। कूनू कहाँ पर है? श्योपुर। कूनू कहाँ पर है? श्योपुर। याद रखना श्योपुर को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। इथियोपिया का मतलब होता है कुपोषित जिला। मध्य प्रदेश का कुपोषित जिला कौन है आपका? श्योपुर है। बासे क्या आएगा? बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ पड़ेगा आपका? उमरिया। खासियत क्या है? 32 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा है। अगला देखिए आप लोग, पासे पड़ेगा आपका पन्ना। पासे क्या आएगा आपका? पन्ना। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आएगा? पन्ना। पासे जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है पासे पन्ना। पन्ना आपका दो जिलों में, पन्ना एक तो छतरपुर पड़ेगा और एक खुद ही पन्ना में पड़ेगा। तो पन्ना कितने जिलों को टच करता है? दो जिलों को। एक तो क्या आएगा आपका? पन्ना। और एक क्या आएगा आपका? छतरपुर। इसमें भी अपन ट्रिक लगा लेंगे। आजकल के बच्चे अपन बोलते हैं ना पढ़ना पढ़ना, तो बच्चा क्या बोलता है? माँ मैं पढ़ूंगा, पर कहाँ पर? छत पे जाके पढ़ना। पढ़ना कहाँ जाके पढ़ता है? छत पे जाके पढ़ता है। पढ़ना क्या आएगा? छतरपुर। पढ़ना छतरपुर। छत पे बच्चा पढ़ता नहीं हो आपको पता है क्या करता है? देखिए संजीव कुबाप क्या आएगा? काफे समाउडा। संजीव कुबाप काफे समाउडा। सासे क्या आएगा? संजय। संजय कहाँ पड़ेगा? सीधी। मैंने बताया था संजय अपनी बेरा के नाम से कैसे चलता है? रोड पे सीधे चलता है। याद रखना जीवाश्म, जीवाश्म छोटी छोटी बात में क्या पीट देता है? डिंडोरी। वन विहार कहाँ पर है? भोपाल। कूनू कहाँ पर है? श्योपुर। श्योपुर की खासियत क्या है? मध्य प्रदेश का इथियोपिया। इथियोपिया मतलब क्या होता है? कुपोषित जिला। यहाँ क्या पाया जाता है? चीता पाया जाता है। बासे क्या आएगा? बांधवगढ़। बांधवगढ़ कितनी पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पन्ना, पन्ना कितने जिलों को टच करता है? दो को। एक तो क्या आएगा? पन्ना। और एक क्या खुद आएगा? छतरपुर। आपको पता है पन्ना में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में आंवला स्टेट किसे कहा, मतलब आंवला जिला किसे कहा गया है? पन्ना को कहा गया है। याद रखना हीरा और तांबा में भारत में अपने एमपी में पहला जो दो खनिज है हीरा और तांबा, जो कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। आपका आएगा छठे के बाद सातवें पर। भैया सातवें नंबर का तो सभी विद्यार्थी को पता है कि सातवें पर क्या आएगा। सातवां तो बहुत ज्यादा आईएमपी है क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन था आपका? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान था आपका जीवाश्म। जीवाश्म कहाँ पड़ेगा? डिंडोरी। जीवाश्म का एक और नाम क्या है? तो जीवाश्म का एक और नाम क्या है अपना? फासिल था। चलो मैं थोड़ा भी इसको हटा रहा हूँ। अगर अपन बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में कुछ जानकारी जिसको अपन समझेंगे। देखिए थोड़ा मैंने हटा दिया, थोड़ा इसको अपन समझेंगे। कोडिंग थी अपने संजीव कुब आप कापे समाओ डा। सासे क्या आएगा? संजय। संजय कहाँ पड़ेगा? सीधी पड़ेगा। जीवाश्म, जीवाश्म कहाँ पड़े आपका? डिंडोरी। सबसे छोटा है। वन विहार कहाँ पर है? भोपाल में। खासियत क्या है? सर्प के लिए फेमस है और बार कोड लगाया। कूनू, कूनू तो बहुत ज्यादा आई एम पी। कूनू में क्या रखे गए? अभी चीता रखे गए। कूनू कहाँ पर पड़ेगा? श्योपुर में पड़ेगा। बासे क्या आएगा? बांधवगढ़। बांधवगढ़ कितनी पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से। पन्ना, पन्ना कहाँ है आपका? छतरपुर। और ये कहाँ पड़ेगा? पन्ना। कासा आएगा आपका कान्हा किसली। कासे क्या आएगा आपका? कान्हा किसली। कान्हा किसली की खासियत समझ लिया आपको? कान्हा किसली मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा है। और ये पाया जाएगा मंडला में। कहाँ पर है ये? मंडला। एमपी का सबसे बड़ा है कान्हा किसली। राष्ट्रीय उद्यान पहले राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, सबसे पहले इसको अभ्यारण बनाया था। कान्हा को सबसे पहले क्या बनाया था? अभ्यारण्य। इसके बाद में इसको बनाया राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बनाया इसको टाइगर प्रोजेक्ट। याद रखना विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता है, जो पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर आए थे, उनका नाम था गैनी मैनफोर्ड। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता है कैलाश सांखलिया। 1 अप्रैल की रात थी 1973 की बात थी जब भारत के अंतर्गत कैलाश सांखलिया ने टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर आए थे। और 1 अप्रैल 1974 को टाइगर प्रोजेक्ट को अपनाने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। वैसे भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में 9 राज्यों ने अपना लिया था। पहला था पुलामू, पर अपने मध्य प्रदेश ने कब अपनाया था इसको? 1974। अपनाने वाला जो था वो कौन था? कान्हा किसली। याद रखना अगर अपन बात करें यहाँ पर अभ्यारण, तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली को सन 1933 में क्या बनाया था? अभ्यारण। 1955 में क्या बनाया? राष्ट्रीय उद्यान। और तुम्हारी कसम 1 अप्रैल की रात थी 1974 की बात थी तब इसको क्या बना दिया था? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया था। टाइगर प्रोजेक्ट लेके कौन आए थे? उनका नाम था कैलाश सांखलिया। चांगलिया नहीं, कैलाश सांखलिया। याद रखना इसको आप लोग। देखिए
ये हो गया आपका कौन सा, कान्हा किसलिए। अच्छा कान्हा किसलिए कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो कान्हा किसलिए 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में, 940 वर्ग किलोमीटर में। इसको मीटर में ठोक देना, भोपाल नागे तक ही पहुंचेगा, याद रखना 940 क्या है, वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग बार बार इसको पढ़ोगे याद हो जाए, कुछ भी नहीं, संजीव कुबाप बाप, संजीव कुबाप बाप का पे समा उठा, संजीव कुबाप बाप का पे समा उठा, एक दो बार पढ़ना याद हो जाएगा, है ना। कैसे ही पढ़ लेना आप लोग, देखो यहाँ मेरी सुनोगे ना तो भी याद हो जाएगा। आप रूम पे इसको डांस करके नहीं पढ़ सकते ऐसे, क्यों संजीव कुबाप बाप का पे समा उठा ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा आप लोग को। इसलिए यहाँ पर जितना भी देखो मुझे याद करो, बिल्कुल अमेजिंग पढ़ेंगे, हंसी मजाक में पढ़ेंगे, याद करवा दूंगा। जीएस बोल जाओ कि जीएस भी है। देखिए ये समझ में आया होगा आप लोग को, सभी विद्यार्थियों को। आप अपन कहाँ पहुंच गए थे, पेच। अगला क्या आएगा, पेच। पास है क्या था, पन्ना। आठवें पर क्या आएगा आपका, पेच आएगा। क्या आएगा आपका, पेच। देखिए पेच भी दो जिलों को टच करता है, पन्ना कितने को टच करता है, दो, पन्ना और एक छतरपुर में था। अब क्या आएगा, पेच। पेच कहाँ पड़ेगा आपका, तो पेच आपके दो जिलों में पड़ेगा, एक तो आएगा आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा आपको पता है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, छिंदवाड़ा। पेच एक तो पड़ेगा छिंदवाड़ा में, और एक जो पड़ेगा आपका सिवनी में पड़ेगा। एक कहाँ पड़ेगा, सिवनी। दो जिलों को टच करता है, छिंदवाड़ा को और किसको टच करता है, सिवनी को टच करता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पेच को। पेच टिक्स में आपको याद करवा दूंगा। जैसे आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत शॉर्टकट दादाजी दादीजी नहीं करते, दाई जी और जी बोलते रहे, दा दा जी कितना लंबा ना, दाई जी सीधे बोल दिया, दादी जी देखो कितना शॉर्टकट हो गया। तो जब बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, पेच फट जाता है, तो जी बच्चे रोते हैं मेरा पेच फट गया, मेरा पेच फट गया, तो दादी जी जो होती है ना, जी गांव पे समझाती है, बेटा तुम्हारा पेच फटा नहीं है, उसमें छेद हो गया है। क्या हो गया, छेद हो गया। लिया में सीधू सीहूनी, लिया में सीधू क्या आएगा, सीहूनी। बच्चे चुप हो जाते हैं, है ना बेचारे देसी बच्चे, सुझे लगनी पड़ती। पेच क्या आएगा, छिंदवाड़ा और सिवनी में आता है। तो आपने देखा पेच। अगला आएगा सतपुड़ा, नौवे पर क्या आएगा, सतपुड़ा। सतपुड़ा आपको पता है बचपन से ये पता है, सतपुड़ा के घने जंगल, ऐसा के हमारे क्या उड़ा दिए, होश उड़ा दिए। क्या आएगा, होशंगाबाद। होशंगाबाद सतपुड़ा के क्या है, घने जंगल। ऐसा के क्या उड़ा दिया था स्कूलों में, होश उड़ा दिया था, आज तक नहीं बताया क्यों जंगल कैसे। तो सतपुड़ा कहाँ पड़ेगा आपका, होशंगाबाद। देखिए सात तक अपन पहुंच गए। अगला आएगा माधव, राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है आपका, दसवें पर माधव। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, माधव। देखिए ध्यान से आपको पता है, आपकी मम्मी की जो बहन है, आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगी, आपकी मम्मी की बहन आपकी मासी लगी, कैसा लगी आपकी मासी, सोचना मत मैंने बता दिया। तो मासी माधव शिवपुरी, मम्मी की बहन क्या लगी, मासी माधव शिवपुरी, मतलब माधव कहाँ पड़ेगा, शिवपुरी पड़ेगा। वैसे याद हो गया है ना, शिवपुरी। माधव कहाँ पड़ेगा आपका, शिवपुरी पड़ेगा। देखिए एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जीएस का कोई भी तोड़ नहीं है, जीएस को आपको पढ़ना पड़ेगा नरेंद्र वर्मा सर से, वरना ये याद नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपसे पूछा भैया कि बताइए आप ओमकारेश्वर कहाँ पड़ेगा, तो आप इसमें नहीं कर सकते, अरे ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर शाजापुर इंटू भिंड बराबर खंडवा, ऐसा कर सकते हैं अपन, कुछ नहीं कर सकते। इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं है, जीएस का पढ़ने का तरीका है, इसको याद करो, ट्रिक से याद करो, जैसे भी याद हो याद करो। देखो माधव कहाँ पड़ेगा आपका, शिवपुरी पड़ेगा, तो मासी क्या आएगा, मासी। माधव कहाँ पड़ेगा आपका, शिवपुरी पड़ेगा, ये हो गया आपका। अगला आएगा आपका ओमकारेश्वर, ग्यारहवें पर क्या पड़ेगा, ओमकारेश्वर। कारेश्वर अच्छा याद रखना, मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन में है जो दक्षिण मुखी महाकाल के लिए फेमस है हमारा उज्जैन, और साथ में अपन बात करें तो एक पड़ेगा ओमकारेश्वर में। तो एमपी में ज्योतिर्लिंग कितने हैं आपके, दो ज्योतिर्लिंग। पीएससी पूछता रहता है कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है, दो ज्योतिर्लिंग, एक ओमकारेश्वर में पड़ेगा और एक कहाँ पड़ेगा आपका, खंडवा में पड़ेगा। तो खंडवा में नहीं, एक उज्जैन में पड़ेगा और एक ओमकारेश्वर में पड़ेगा। तो ओमकारेश्वर कहाँ पड़ेगा आपका, खंडवा में पड़ेगा। कहाँ पर है, खंडवा। वैसे इस राष्ट्रीय उद्यान की ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी पेपर वाले पूछते हैं, किताबों में लिखा है, लेकिन वहां पर ऐसी कोई आप देखोगे तो नेट पर कोई जानकारी नहीं, पर पेपर में आता है कि ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, खंडवा में। बारहवें नंबर पर आएगा डायनासोर, क्या आएगा आपका, डायनासोर। डायनासोर और डायनासोर कहाँ पड़ेगा आपका, धार। अपन ठीक से याद कर लेंगे, देखो आपने डायन का नाम सुना होगा, डायन, जब डायन जो डरते लोग तो साथ में क्या लेके जाते हैं, धार लेके जाते हैं, धार के बेटा डायन है तो चक्कू रख ले, धार रख लेना, कुछ करेगी नहीं। डायनासोर कहाँ है आपका, धार। डायनासोर कहाँ पड़ेगा, धार। अब देखिए एक बार मैं आपको याद करवा दूं, कुछ भी नहीं है उसमें, आपको सुनना है, एक दो बार वीडियो को देखना है, आपको वैसे याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पूरे भारत में राष्ट्र उद्यान, देखो पहली बात थी कि भारत में अपना एमपी का पहला स्थान है, तो स्वाभाविक बात है कि इस पर से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, कोडिंग को याद करना, संजीव को बाप कापे समाओ डा, संजीव को बाप कापे समाओ डा। सासे क्या आएगा, संजय। संजय कहाँ है, सीधी। जीवाश्म कहाँ पड़ेगा, ढिंडोरी।
वन विहार कहाँ है? भोपाल, कूनू, कूनू अपन बात करें, कूनू फेमस है अपने लिए। कूनू कहाँ पड़ेगा आपका? श्योपुर। बांधव कहाँ पड़ेगा? तो बांधव पड़ेगा आपका उमरिया। पन्ना कितने जिलों में? दो जिलों में। पन्ना और कहाँ पड़ेगा? छतरपुर। कान्हा किस लिए? कान्हा किस लिए कहाँ है? मंडला। कितने वर्ग किलोमीटर में? 940। पेज, पेज दो जिलों में, एक तो पड़ेगा आपका सिवनी और एक पड़ेगा छिंदवाड़ा। सतपुड़ा कहाँ पड़ेगा? होशंगाबाद। मासी माधव कहाँ है? शिवपुरी। ओमकारेश्वर कहाँ है? खंडवा। डायनासोर कहाँ है आपका? धार। समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को एक बार सब चित्र में दिखा देता हूँ। देखिए ये मध्य प्रदेश के राष्ट्र उद्यान का टॉपिक था, अपने कोडिंग पढ़ी थी। ये इतने राष्ट्र उद्यान है, इनकी जरूरत ही नहीं है आपको। बांधो पेज आपको वैसे याद हो गया, अब आप वैसे ही बता दोगे इसके अंतर्गत कि कान्हा कहाँ है तो कान्हा मंडला है, कूनू कहाँ है तो कूनू कहाँ पड़ेगा आपका, श्योपुर पड़ेगा पन्ना, दो जिलों में। ऐसा आप लोग इसको रिवाइज कर लेना। वैसे कोडिंग के बाद में आपको ये पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी ना। ये वन विहार है, इनकी जगह है कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सा है। ये डायनासोर इधर पड़ेगा, ये वन विहार वाला एरिया भोपाल है, ये आपका सतपुड़ा है, ये ओंकारेश्वर नीचे आता है, ये पेंच हो गया। अच्छा, पेंच का एक और नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से फेमस है। ये माधव हो गया, ये पालनपुर हो गया, कूनू हो गया, यहाँ पर पड़ेगा आपका श्योपुर जहाँ पर शेर को रखा गया, चीताओं को रखा गया, शेर को नहीं। ये पन्ना हो गया, ये कान्हा हो गया, माधव हो गया, संजय हो गया और ये गंगुआ हो गया। देखो आप लोग इधर देखें, ये कान्हा किस लिए राष्ट्र उद्यान है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। मैंने आपको बताया कि 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पर तो कान्हा किसली के अंतर्गत ये पाए जाते हैं सर्वाधिक, जिनकी बात करें अपन हिरणों की, साथ में माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आ जाता है सफेद जो है बाघ पाया जाता है, और ये प्रत्येक 8 किलोमीटर पर आपको एक बाघ मिलेगा। इसी कारण क्वेश्चन आता है घनत्व में सबसे ज्यादा शहर किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो किसमें आपके? बांधव राष्ट्रीय उद्यान। बांधव कहाँ पड़ेगा? उमरिया। प्रथम बांधव कहाँ पड़ेगा आपका? उमरिया में पड़ेगा, उमरिया। अब आपको सभी को पता है ये लिखा मैंने उमरिया, ये कितनी पहाड़ियों से गिरा है? 32। तो ये पीछे का हटा दो, पीछे दो लगा दो, मतलब 32 हटाओगे 32 पहाड़ी, दो हटाओगे तो उमरिया बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अपन, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, ये काफी पुराना पार्क है ये भी मध्य प्रदेश का। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है आपका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आपको पता है मोगली पाया जाता है, बचपन में अपन ने एक नाटक देखी थी जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, वो यही था, कौन था ये? मोगली लैंड है ना, पहले शक्तिमान और यही तो आता था। देखिए अगला अपन देखें यहाँ पर, तो ये संजय जो मैंने पढ़ाया आपको यहाँ पर ये पाए जाते हैं, साथ में आपका पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना के अंतर्गत कहा जाता है रेप्टाइल पार्क, जो रेंगने वाले ज्यादा जीव जंतु होते हैं पन्ना के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, है ना। ये वन विहार हो गया, ये मैंने आपको बताया था सर्प के लिए फेमस है, यहाँ पर देखना कोई सांप आप फूगा ही कर गया इधर उधर नीचे होगा कहीं, ये पड़ा सा है देख लेना। देखिए ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है आपका? होशंगाबाद में है ना, और यहाँ पर ये नीलगाय सर्वाधिक पाई जाती है। और अपन देखें डायनासोर, डायनासोर के तो साक्ष्य कहा जाता है धार्मिक मिले थे, अब तो ये खत्म हो चुके हैं डायनासोर, यहाँ से लुप्त हो चुके हैं एमपी से, अब सब जगह से लुप्त हो चुके हैं। ये राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्र उद्यान जिसको अपन बोलते हैं डिंडोरी में, जिसका एक और नाम गुंगवा के नाम से पाया जाता है, इस टाइप का यहाँ पर ये देखने को मिला था साक्ष्य। और ये आपको सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में कूनों के अंतर्गत चीता को संरक्षित करके रखा है, 8 चीते लेकर आए थे, कहा जाता है कि 70 वर्ष के बाद में एमपी के अंतर्गत पूरे भारत में भी चीते देखे गए। जय हिंद सभी को, अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग अपने एक दो बार देखना और अपने दोस्तों को भी पहुँचाना, ठीक है। चलो देखो, और ये आपको इसमें चीते को लाए गए थे, ये यान थे, देखो आप लोग यान में कभी घूमे नहीं होंगे, अपने यहाँ के चीते घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जय हिंद सभी को।